अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स जो एसईओ में यूज होते हैं। तो सबसे पहले मेटा टाइटल टैग। मेटा टाइटल टैग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है एचटीएमएल में, टाइटल, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटल होता है। तो ये टाइटल गूगल के अंदर शो होता है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, ये कुछ इस तरीके की होती है, मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट में जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं वो गूगल में शो होती है। उसके बाद मेटा रिपोज टैग, ये सर्च इंजन को बताते हैं कि आपने पेज को किस तरीके से क्रॉल करना है, इसे इंडेक्स करना है या इसे डी इंडेक्स करना है या इसकी इमेज को इंडेक्स नहीं करना, इस तरह की चीजें। उसके बाद मेटा व्यू पोर्ट, ये बेसिकली हमारे पेज जो है उसको डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए रेंडर करती है। तो आप ये साथ दो पोस्ट देख सकते हैं। इसमें जो पहला है उसमें मेटा व्यू पोर्ट शो हो रही है, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो जूम है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो व्यू पोर्ट के बगैर है उसमें आप देख सकते हैं कि सारा कुछ डिसोर्टेड है, जूम्ड आउट है, और सही तरीके से नजर भी नहीं आ रहा। उसके बाद चार सेट, ये बेसिकली जो वेब पेज की करेक्टर इनकोडिंग होती है उसके लिए होता है। तो सबसे ज्यादा दो यूज किए जाते हैं, UTF-8, ISO-8859-1। तो ये जो पहले वाला है ये मेरे ख्याल से 99.9% वेबसाइट्स में मैंने देखा यूज किया। तो अगर ये सही ना यूज करें तो आप देख सकते हैं नीचे एग्जांपल में कि ये अजीब से कैरेक्टर शो हो रहे हैं, तो ये ना सही यूज करने की वजह से होता है, तो ये भी करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्रॉनिकल टैग। क्रॉनिकल टैग असल में हर पेज की 6 वेरिएशन होती हैं। तो क्रॉनिकल टैग ऐड करने का ये फायदा हो जाता है कि गूगल को पता चल जाता है कि इनमें से जो आपकी प्रिफर्ड है वो कौन सी है, ताकि डुप्लीकेट इश्यूज वगैरह ना हो। उसके बाद हेडर टैग्स, ये पेज की आउटलाइनिंग में यूज होते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले H1 यूज होता है, उसके बाद P टैग्स, उसके बाद H2 टैग्स, उसके बाद ऑल टैग्स होता है। ये बताता है कि इमेज किस चीज के बारे में है और इसमें हम अपने कीवर्ड्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया टैग्स, ये बेसिकली जब आप फेसबुक या ट्विटर वगैरह पे पोस्ट करते हैं तो इनके जरिए वो डाटा फेच करते हैं आपके पोस्ट का। तो इसी के साथ ही आज ट्यूटोरियल का एंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।